हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमन और मैं आपके लिए लेके आया हूं एक नया वीडियो। इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि कैसे वाईफाई को हैक किया जा सकता है और उसका पासवर्ड कैसे देख सकते हैं। तो जनरली मैं आज एक सॉफ्टवेयर का यूज करने वाला हूं जिसका नाम है एंड्रॉइड डम्पर और आप ये गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और मेरा जो हैंडसेट है Redmi 3S, तो इसके मदद से आपको मैं दिखा सकता हूँ कि कैसे वाईफाई को पासवर्ड को देखा जा सकता है। तो जनरली मैं आपको सबसे पहले कुछ वाईफाई के बारे में बता दूँ। वाईफाई बहुत तरीके के होते हैं, जैसे डी लिंक, टीपी लिंक एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो डी लिंक की खासियत यह है कि इसका सिक्योरिटी सिस्टम जो है थोड़ा वीक होता है, तो इसे हम आसानी से हैक कर सकते हैं। और मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि इसे आसानी से कैसे हैक किया जा सकता है। तो अगर आपके पास Redmi 3S है तो आप इसे इजिली यूज कर सकते हैं, और आपके पास अगर लॉलीपॉप का हैंडसेट है तो भी आप यूज कर सकते हैं इसे। तो चलिए शुरू करते हैं, और वीडियो देखने के बाद आप लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है मेरा Redmi 3S, तो होम स्क्रीन पे हम हैं। चलिए देखते हैं। तो ये मेरा होम स्क्रीन है, आप देख सकते हैं। तो मैंने एक जनरली सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया जिसका नाम है एंड्रॉइड डम्पर, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये खुल गया, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर से हम आज काम करेंगे, ठीक। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि वाईफाई के बारे में। ये देखिए, ये एक नेटवर्क आ रहा है, तो इसे मेरा मुझे मेरा पासवर्ड मांग रहा है। पासवर्ड क्या है मैं तो नहीं जानता, तो चलिए इसे बैक कर देते हैं। इस सॉफ्टवेयर को खोलते हैं। देखिए, ध्यान से देखिए, मेरे स्टेप को फॉलो कीजिएगा। तो सो ऑल नेटवर्क, सारे नेटवर्क देखेंगे। तो देखिए, बहुत सारे नेटवर्क दिख रहे हैं। तो यहाँ पे जो डी लिंक है, और देखिए WPS जो है, WPS वो इनेबल हुआ है, यस किया हुआ है, तो ये इसे हम हैक कर सकते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हमें ट्राई टू कनेक्ट करना पड़ेगा, और ये है नो कस्टम पिन, कुछ टाइम लगेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा डी लिंक, जैसे मैंने आपको बताया, तो डी लिंक ही हैक किया जा सकता है। इसमें कुछ टाइम लगता है लेकिन हो जाता है। देखिए आप ध्यान से, अगर आपका राउटर के पास आपका हैंडसेट होगा या फिर सिग्नल स्ट्रेंथ इतना। देखिए ये कुछ टाइम ले रहा है। देखिए, कनेक्शन सक्सेसफुल, ओके। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो मेरा वाईफाई है वो ऑन हो चुका है, मैं इसे कनेक्ट कर सकता हूँ। आपको तो दिखाता हूँ कि एक्सेस कैसे कर सकता हूँ। चलिए, मैं यूसी वर्जर पहले खोल दिया, ये खुल रहा है। देखिए ये गूगल, सॉरी एक सेकंड, ये खुल गया है गूगल। तो इस तरह से नेट एक्सेस आप कर सकते हैं। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका पासवर्ड कैसे देखते हैं। तो ये कनेक्ट हो चुका है, हम सेटिंग्स में जाएंगे। तो सेटिंग्स में वाईफाई जाने के बाद इसे हम शेयर करेंगे। ये Redmi 3S में ही होता है और किसी में नहीं दिखा था। तो इसे टैप करते हैं, तो इसका जो स्क्रीनशॉट है हम इसे ले लेना है। स्क्रीनशॉट, ये हमने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। ये देखिए, अब क्या है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद हमें इसे बैक कर देना है, और हमारा जो डिफ़ॉल्ट स्कैनर है वहाँ पे जाना है। देखिए यह है इसका स्कैनर, मैं वहाँ पे गया, स्कैन दिखा रहा है, और यहाँ फ़ोटो जो है उसे अपलोड करने के लिए बोल रहा है। तो ये जो साइड में कॉर्नर पे है, तो इसे हम दबाएंगे, प्रेस करेंगे। ये देखिए, तो गैलरी में जाने के बाद हमें स्क्रीनशॉट जो है वो देखेंगे। ये देखिए स्क्रीनशॉट्स, इसे हम सेलेक्ट करते हैं। देखिए ये पासवर्ड है, तो इसको टैप करना पड़ेगा। देखिए CSCP4x5 डॉट, तो इसका पासवर्ड है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ फिर से, फॉरगेट करके बैक कर देता हूँ। सेटिंग्स में जाना पड़ेगा, फिर वाईफाई को फॉरगेट करना पड़ेगा। देखिए सेव नेटवर्क, तो सबसे पहले मैं इस नेटवर्क को फॉरगेट करता हूँ, ताकि मैं आपको जो पासवर्ड दिखाया था तो वो वापस डाल के इसे इनेबल कर सकूँ। तो चलिए इसे डिलीट कर देते हैं नेटवर्क को। डिलीट हो गया, अब देखिए वाईफाई पे मैं चला गया। तो इस पे मैं जब टैप करता तो मुझे पासवर्ड मांगता है, जो पासवर्ड मैंने शो किया था वही मैं इसमें डालूँगा। देखिए,
देखिए SCP-4x5 डॉट कनेक्ट करते हैं, चलिए देखते हैं। हाँ ये कनेक्ट हो गया। तो इसी तरह से आप फेसबुक को सॉरी वाईफाई को हैक कर सकते हैं और आप इसको देख सकते हैं, इसके पासवर्ड को। देखने के लिए शुक्रिया फ्रेंड्स, चलिए बाय।